देर रात राजधानी रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट सब्जी और फल मंडी में भीषण आग लगने की घटना हुई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही थी। घटना से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मंडी में लोग स्थानीय स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। हालांकि आग इतनी भयावह थी कि चंद मिनटों में ही कई दुकान आग की चपेट में आ गईं। देखते ही देखते पूरी मंडी जलकर खाक हो गई। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पानी खोल दिया है। चल 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 आगे चल आगे चल। वो तो गलत है। वहीं अगलगी की घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी के साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किन वजह से लगी इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि इसके अलावा अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।